So we are doing the question number th three part 4 of exercise 3.3. So the question states that the taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance covered of 10 km, the charge paid is rupees 105 and for distance covered of 15 kilometer the charge is rupees 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? हाउ मच डज अ पर्सन है सो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहे हैं कि टैक्सी है एक सिटी में एक टैक्सी चल रही है उस टैक्सी के दो टाइप के चार्जेस हैं एक तो है फिक्स चार्ज और दूसरा होता है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड और हमें बताया कि डिस्टेंस दस किलोमीटर ट्रेवल किया तो चार्ज पे किया है हमने वन हंड्रेड फाइव फिफ्टीन किलोमीटर ट्रेवल किया तो चार्ज पे किया है वन फिफ्टी फाइव हमसे पूछे हैं यही फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर कितना है उसकी वैल्यू पूछी है फर्स्ट पार्ट में तो देखो पहले आप एक चीज समझिए जैसे जब हम टैक्सी लेते हैं ठीक है मैं यार रफ वर्क आपको करके दिखा रही हूँ जैसे आ, समझाने के लिए ये सिर्फ एक टैक्सी अगर हम कभी बुक करते हैं तो क्या होता है टैक्सी का होता है एक फिक्स चार्ज जैसे कि मिनिमम आपको मतलब आपने अगर टैक्सी हायर पे ली है तो रुपीज हंड्रेड तो फिक्स चार्ज है ही देना पड़ेगा जैसे हंड्रेड में एग्जांपल ले रही हूँ ठीक है जैसे रुपीज हंड्रेड और दूसरा वो कर देते हैं कि चार्ज फॉर द डिस्टेंस चार्ज फॉर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपकी वो एक फ़िक्स कर देंगे कि एक किलोमीटर के लिए मैं पाँच रुपये लूँगा ठीक है फ़ाइव रुपीज़ है फॉर पर किलोमीटर तो अगर ऐसा उन्होंने फिक्स किया हुआ है और मैंने अब एक टैक्सी बुक की जिसपे मैं मैंने फ़ाइव किलोमीटर्स तक का रन किया है ठीक है डिस्टेंस मेरा फाइव किलोमीटर है तो डिस्टेंस क्या हुआ फाइव किलोमीटर तो मुझे अब अगर उस टैक्सी वाले को पे करने हैं पैसे तो मैं कितने करूँगी टोटल मेरा क्या होगा जो मेरा फिक्स चार्ज है ये ठीक है हंड्रेड और क्या पे करूंगी मैं साथ में साथ में मैं उसे पे करूंगी फाइव इंटू फाइव ये फाइव इंटू फाइव कैसे आया समझ आया क्योंकि चार्ज कितना था रुपीज पर किलोमीटर उसने अपना चार्ज सेट किया हुआ है कि चार्ज फॉर पर डिस्टेंस मैं इतना लूंगा पांच रुपए पर किलोमीटर पर मैंने पांच किलोमीटर ट्रेवल किया है तो यानी कि मैं कितना दूंगी फाइव इन फाइव तो मेरा कितना हो गया ये 125. और इसी को मैं फॉर्मूला फॉर्म में लिख दू तो ऐसा हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस प्लस ही तो साइन आएगा ना यहाँ पे आ, डिस्टेंस का डी लगा देते हैं और चार्ज पर फॉर डिस्टेंस चार्ज फॉर डिस्टेंस मैं लिखा देती हूँ सी ठीक है यहाँ पे एफ सी और ये डी अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं जब पहले हम देख हमारा क्या रूल होता है जब ऐसे एल्जेब्रिक वे में हम क्वेश्चन बनानी होती है कि जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसी को लेट कर देते हैं तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है uh, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर तो हम क्या कर देंगे लेट द फिक्स चार्ज लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी कोई भी वेरिएबल आप अपना चूज कर लो मैंने एक्स ही किया है कितना है एक्स रुपीज ठीक है और दूसरा क्या करना था चार्ज पर किलोमीटर तो हम कर देते हैं लेट द आप लिख देना पूरा लेट द चार्ज फॉर टैक्सी पर किलोमीटर डिस्टेंस ये कर लिया मैंने वाई रुपीज ठीक है अब इस इक्वेशन में देखो समझने के लिए फिक्स चार्ज को मैंने एक्स लिया है डिस्टेंस तो चलो नहीं अभी मैंने कुछ भी लिया डी ले, ले लेती हैं एंड uh, सी जो मेरा क्या था चार्ज फॉर डिस्टेंस ये कितना है चार्ज कितना है फॉर पर किलोमीटर डिस्टेंस वाई तो ये है ये देखो यहाँ पे भी मेरी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन एक बन गई है ये देखो एफ प्लस डी को मैंने क्या कर दिया एफ क्या था एक्स डी तो डिस्टेंस अभी मैंने नहीं कुछ भी लिखा है यहाँ पे और मैंने क्या किया चार्ज पर किलोमीटर को वाई लिया तो ये बन गई तो वैसे ही मेरी यहां पे फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाता है मेरा x प्लस मुझे कितना बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर चार्ज पेड इज वन हंड्रेड फाइव यानी कि d मेरे पास कितना दिया है टेन किलोमीटर टेन और चार्ज पर किलोमीटर तो वाई ही है टेन किलोमीटर के लिए कितने पैसे दिए हैं वन जीरो फाइव ये हो गई मेरी इक्वेशन वन दूसरा मुझे क्या इक्वेशन क्या बनती है x प्लस फिफ्टीन किलोमीटर के लिए दिया है वन फिफ्टी फाइव तो फिफ्टीन इंटू वाई क्या आ गया वन फिफ्टी फाइव बन गई दो इक्वेशंस अब इसके आगे तो हमें सॉल्व करना आता ही है हम कैसे सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन uh, वन uh, से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम वन वी गेट क्या निकलती है X की वैल्यू विल बी जीरो फाइव माइनस टेन वाई दिस इज माई इक्वेशन थ्री तो इससे मैं आगे कर सकती हूँ सोल्व इसके आगे क्या होगा कि मुझे ये वैल्यू जो है पुट थ्री इन टू ठीक है पुट इक्वेशन जो थ्री की वैल्यू हमें यहाँ निकली है उसे मैं टू में करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाता है टू क्या है एक्स प्लस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू वन फिफ्टी फाइव यही था एक्स क्या हो गया वन हंड्रेड फाइव माइनस टेन वाई प्लस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू वन फिफ्टी फाइव यहाँ तक क्लियर है फिर हम क्या करेंगे यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव वाई टू फिफ्टी वाई विल बीवल टू टेन वाई की वैल्यू आ गई है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे पुट y इन इक्वेशन इक्वेशन वन में भी कर सकते हैं मैं थ्री में ही कर देती हूँ यहाँ पे इन इक्वेशन थ्री तो x विल भी इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव माइनस टेन इन टू Y कितना निकला है टेन 10. तो वन हंड्रेड फाइव माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू फाइव तो वाई कितना निकल गया तो एक्स कितना क्या पूछा था फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू फिक्स चार्ज क्या लिया था हमने x तो कितना हो गया फाइव रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू टेन रुपीज ठीक है अब इसके आगे का पार्ट क्या है हमें कह रहे हैं हाउ मच डेव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ट्वेंटी किलोमीटर तो अगर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहा है तो कह रहे हैं कितना पे कर रहा है तो ये बहुत ही सिंपल है आगे तो इतना कुछ है नहीं इसमें तो इसमें आप क्या करोगे ट्वेंटी फाइव किलोमीटर आपको दिया हुआ है तो आपने क्या करना है एक आपकी इक्वेशन क्या बनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई है फाइव और y की वैल्यू आई थी हमारे पास टेन तो फाइव प्लस टू फिफ्टी इज इक्वल टू टू फिफ्टी फाइव रुपीज सो so, आप लिख देंगे यहां पे सो द पर्सन हैज टू पे टू फिफ्टी फाइव रुपीज फॉर ट्रेवलिंग ट्वेंटी फाइव किलोमीटर क्लियर है दोनों पार्ट हमारे हो गए यहां पर